यकीन मानिए, ये नया साल मानो कुछ नई उम्मीदें भी लेकर आया है, एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी लेकर आया है कि हर कुछ अच्छा होगा। और कुछ ऐसी ही लहर जो है वो कामयाब पंजाबी के मन में भी दौड़ रही है। तो बस नए साल की शुरुआत उन्होंने की सास बहू और साजिश को अपने होने वाले हम सफ़र से मिलवा कर। तो भाई चलिए इनसे मुलाकात भी करके आते हैं और आने वाले जीवन के लिए ढेर सारी खुशियाँ देकर आते हैं। नए साल के मौके पर कामयाब पंजाबी मिलवा रही हैं अपने जीवन साथी से, शलभ डैंग से। इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप सबको पता है ये कौन है। आप सबने इतना बढ़िया वेलकम दिया है और इतना प्यार दिया है इन्हें, फिर मैं मिला देती हूँ। ये है मिस्टर डैंग, शलभ डैंग। इनसे इनसे लेने वाली हूँ मैं सात फेरे बहुत जल्द। अपना प्यार बनाए रखिए और खूब सारा आशीर्वाद दे। जिनके साथ 10 फरवरी को कामया करने जा रही हैं शादी, शलभ के साथ साथ वो अपनी फैमिली से भी रूबरू करवा रही हैं। इस छोटी सी हैप्पी फैमिली में एक बेटी है और एक बेटा भी। अच्छा, ये दोनों है ना, इन लोगों ने कह दिया था कि जब भी इंटरव्यू होगा तो हम लोग कमरे में चले जाएंगे, हम नहीं करेंगे बात। और जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखती हूँ तो ये इतने गुम है बलून्स में और मस्ती करने में, तो ये साबित कर दिया हमारे बच्चे। काम्या और शलभ हमसे पहली बार मिल रहे हैं तो उनकी लव स्टोरी भी सुननी बनती है। कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे और दोनों को एक दूसरे की कौन सी बातें पसंद आ गईं? 17 जनवरी 2019 को हमारी बात हुई थी और मुलाकात हुई थी 1 फरवरी। पहली मुलाकात में, पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था दैट यू नो मैं शादी करूं फिल्म में। हाँ नहीं, सीरियसली ये फिल्म ही नहीं है। और जब मैं मिला था काम्या से तो मैं बहुत क्लियर था कि ये है जिससे मुझे शादी करनी है। हिम्मत जुटानी पड़ी थी क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं भीमुद भाई, बहुत बहुत ज़्यादा। तो हिम्मत के साथ पेशेंस भी बहुत है शलभ में। तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं इसको बहुत लोगों ने जहाँ नेगेटिव लिया, वहाँ मिस्टर डैंग ने इसको बहुत पॉजिटिव लिया है। और व्हाट एल्स यू वांट, हाँ यही होता है कि अगर कोई मैं जैसी हूँ अगर वैसे आपको चलता है तो फिर ठीक है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अंदाज इनका बोल्ड एंड डेयरिंग है एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट मैंने इसका अलग रूप देखा है बोल्ड एंड डेयरिंग का, इसलिए मुझे ज्यादा पता है। अब जब मम्मी पापा की शादी हो रही हो तो बच्चों को गिफ्ट तो मिलेगा ही। बच्चों ने नए साल के मौके पर अपनी भी डिमांड्स उनके सामने रख दी हैं। मम्मी पापा की तरह उन्होंने भी बलून फुलाकर अपनी अपनी ख्वाहिश उस पर लिख दी हैं। बेचारे नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, ये बिल्कुल बेचारे नहीं है, है ना ईशान? I want a MacBook Pro and an iPad Pro for 2020. I want a dog specially because I've been wanting that for very long and a baby sister. नो बेबी सिस्टर, मम्मा इतनी अच्छी अभी हॉट एंड सेक्सी बन चुकी है, इतनी डाइटिंग करके और वर्कआउट करके इतनी पतली हुई है, अभी नहीं हो सकता। यू आर सिस्टर, ही इज ब्रदर, वी आर डन। बच्चों के साथ साथ उनके मम्मी पापा की भी ख्वाहिश सुन लीजिए कि वो क्या क्या चाहते हैं साल 2020 में। मेरी
हमने लिखा है कि बस ये साथ हमेशा रहे, टुगेदर फॉर एवर, एंड फिर शलभ ने लिखा हैप्पी हैप्पी, वेरी इंपॉर्टेंट. हैप्पी इज द वर्ड व्हिच इज एडेड एंड अच्छा अच्छा ओके. खुश रहना एक वर्ड बहुत जरूरी है, एक साथ और खुश रहना बहुत जरूरी है, वो एक वर्ड मैंने ऐड किया. कामया शलभ और उनके परिवार को सास बहू और साजिश की ढेर सारी शुभकामनाएं. एबीपी चैनल के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं. सेफ रहिए, खूब मस्ती करिए, खूब सेलिब्रेट करिए और खुश रहिए और लोगों को खुशियां दीजिए. हैप्पी न्यू ईयर. मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे.